उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुष्यंत जी, इनेलो नेता को बैजिंग चौटाला को आना पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह जिसको मैं पहले दिन से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलता हूँ, उसके सवाल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊँ कि जहाँ हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स है, जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़, 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता आदमी। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की जमीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फर्ज ला के दे दी कि आज़ादी से पहले की गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के नाम पे वो जमीन है। और आप लोगों ने क्या उनसे ये पूछा? आप लोगों ने तो सिर्फ जो बेवदी बात करेंगे आप लाके पूछ लोगों। सर, लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, उसके बारे में क्या? किसी की गिरफ्तारी होना ना होना ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम, गवर्नमेंट का काम नहीं। ये काम पुलिस प्रशासन का है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है, जितना मेरी नॉलेज में है कि कल खिलाड़ियों को बयान देने के लिए बुलाया गया है, वो बयान दे देंगे। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है।